आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ झटपट से बनने वाली टेस्टी चटपटी टमाटर की चटनी। आप इस चटनी को सफर के अंदर अगर लेके जाओगे तो आप इसको 4 दिनों तक रख सकते हो, 4 दिनों तक आप इसे खा सकते हो, ये खराब नहीं होगी सफर के अंदर 4 दिन के लिए। सबसे पहले हम एक बड़ी कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल डाल लेंगे। अगर आप कोई और तेल यूज करते हो तो आप इसमें वो भी डाल सकते हो। इसके अंदर कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि सरसों के तेल के अंदर ही कोई बहुत ज्यादा स्वाद आएगा। मैं नॉर्मली अपने घर के अंदर दूसरा कुकिंग ऑयल कुछ यूज नहीं करती हूँ, सरसों का तेल ही कुकिंग के लिए यूज करती हूँ बिकॉज कि वो हेल्दी होता है। अब हम उसके अंदर जीरा डाल देंगे और हम उसके अंदर राई डाल देंगे। उसके बाद में हम जीरा को थोड़ा सा सिकने देंगे और राई को भी थोड़ा सा फटने देंगे। इसके अंदर लहसुन डालेंगे। मैं यहाँ पे 3 से 4 कलियां लहसुन की डाल रही हूँ। लहसुन जो थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे इसलिए मैंने उसको हाफ हाफ काट लिया। अगर आपके लहसुन नॉर्मल साइज के हैं तो आप उसे डायरेक्टली डाल दो, उसको काटने की जरूरत नहीं है। इस तरह से लंबे लंबे जब लहसुन इसमें दिखते हैं और खाने में आते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम इसके अंदर 5 से 6 एकदम बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची को डाल देंगे। हरी मिर्ची को डालने के बाद में 1 बार किसी चमचे से हम इसको चला लेंगे और हरी मिर्ची को थोड़ा सा भूनने देंगे। 1 मिनट तक हम हरी मिर्ची को भूनेंगे। उसके बाद में हम 10-11 करी पत्ते लेंगे। करी पत्ते को अच्छे से पानी से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद में हम उस साबुत करी पत्ते को इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद में हम इसे अच्छे से एक बार चलाएंगे। करी पत्ते को और हरी मिर्ची को एकदम अच्छे से रोस्ट होने देंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसालों के अंदर हम सबसे पहले 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। हमने यहाँ पे जो टमाटर लिए हैं वो 1/2 kg टमाटर हैं क्योंकि बनने के बाद में वो काफी कम हो जाते हैं। इस तरह से रफली चॉप जो हमने टमाटर काटे थे उसको भी हम डाल देंगे और इन सबको एकदम अच्छे से पकाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टाइम पे जो गैस का फ्लेम है वो तेज था। इस पूरी चटनी के प्रोसेस के अंदर गैस का जो फ्लेम है वो तेज ही रहेगा क्योंकि अगर आप इसे बहुत ही ज्यादा लो पे पकाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको बनने में और ये तेज गैस पे ही बनेगा। इसको चलाते रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि टमाटर में बहुत ज्यादा पानी होता है तो चिपकता नहीं है वो। गैस का फ्लेम अभी तेज है और हम इसको कवर कर देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे से कुक हो जाए। इसको कवर करने के बाद में हम इसको थोड़ी देर के बाद में इस कवर को हटाएंगे। कवर को हटाने के बाद में हम एक बार फिर से इसको चलाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और साथ में जो चटनी है वो नीचे चिपके नहीं। अब हम इस चटनी को ऐसे खुले में ही पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और इसे खुले के अंदर पकाते रहेंगे। लास्ट के अंदर ये चटनी सिर्फ 1 कटोरी रह जाएगी तो हमें समझ में आएगा कि ये बन गई है। और अगर आपने इसके अंदर तेल अच्छी क्वांटिटी में डाला है तो एकदम लास्ट के अंदर ये पूरा का पूरा तेल भी छोड़ देगी। जब तक ये वो तेल नहीं छोड़ेगी तब तक हम ये मानेंगे कि चटनी बनी नहीं है। जब हम ट्रेन का सफर करते हैं या फिर कहीं फॉरेन जाते हैं तो हम कोई सब्जी वगैरह अगर लेके जाते हैं तो वो मोस्टली 1 या 2 दिन चलती है, या फिर अचार है वो ज्यादा दिन चलता है। लेकिन अगर आप ये चटनी लेके जाओगे तो मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि 4 दिनों तक ये चटनी बिल्कुल भी आपकी खराब नहीं होगी। ये खाने में एकदम सेम टेस्ट देगी और आपको बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगेगी। आप साथ साथ में अपनी किचन के अंदर कुछ बाकी काम भी कर सकते हो जैसे कि रोटी वगैरह बना सकते हो और इस चटनी को बीच बीच में चलाते रहो और जब तक कि इसके अंदर से तेल नहीं छूट जाए तब तक आप इसे पकाते रहो क्योंकि अगर आप इसे चलाओगे नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा और जल जाएगा। इस तरह से बीच बीच में चटनी को चलाते रहना है, ऐसे लगातार कड़ी की तरह परमानेंट नहीं चलाना है इसको। बीच बीच में से इसको चलाते रहो ताकि वो नीचे से जले नहीं और जो ये चटनी है एकदम अच्छे से पक जाए। अभी हमें चटनी को पकाते पकाते 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अगर आप देखोगे तो इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन अभी भी ये और थोड़ी सी रह जाएगी और इसके अंदर से तेल भी निकलेगा। वैसे तो हमने कोई बहुत ज्यादा तेल डाला नहीं था कि वो बहुत ज्यादा निकले, लेकिन अगर आप सफर के लिए बना रहे हो तो आप थोड़ा सा तेल और ज्यादा डालोगे तो वो और ज्यादा तेल निकलेगा। इस चटनी को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कि हर लड़की चाहती है कि कुछ ऐसा रेसिपी हो जो कि बनाने में भी आसान हो, खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत भी ना लगे और जब सब लोग खाएं तो वो बहुत तारीफ भी करें कि वाह तुमने क्या बनाया है। तो ये बिल्कुल वैसे ही गलती गर्ल थिंग टाइप की रेसिपी है जो कि हर लड़की के लिए एकदम फिट होती है। बस अब हमारी जो ये टमाटर की चटपटी मजेदार जो चटनी है झटपट से बनने वाली वो एकदम से रेडी है।
बस इसमें 2 से 3 मिनट और लगेंगे और हम 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे चलाते रहेंगे। बेसिकली ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि जो तेल है वो निकल जाए। अगर आपने अपने चटनी के अंदर अच्छे से तेल डाला है तो इस टाइम पे जो तेल है वो साइड में होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिस टाइम पे वो जो तेल है वो साइड में हो जाएगा तब आप समझ लो कि आपकी चटनी बन गई है। उसके बाद में आपको इसको पकाने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसे लेकर जाओगे किसी भी सफर के अंदर तो ये 3-4 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, आप इसे आराम से 4 दिन तक खा सकते हो। चलाते चलाते हम लोगों को 2 मिनट हो गए हैं और हमारी जो चटनी है वो भी रेडी हो गई है एकदम। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी चटनी बनी है। अब हम इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती डालने के बाद में जो चटनी है वो रेडी है, आप इसे निकाल लो, आपको जिसके अंदर भी निकालना है। मैंने यहाँ पे तेल थोड़ा कम क्वांटिटी में डाला था इसलिए आपको उतना तेल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप तेल थोड़ा अच्छे से डालोगे तो आपको जो तेल है वो वहां पे साइड में दिखेगा। तो देखो टमाटर की चटनी जितना दिखने में सुंदर बनी है उतनी ही ज्यादा खाने में टेस्टी है। जो भी खाएगा वो सब आपकी तारीफ करेंगे। बाय, थैंक यू।